तो पुलिस में सिलेक्शन हो जाता फिर कर ही नहीं जाना, तो आर्मी में जाना। मोदी ने कर दिया नाश, क्या कहना सीधा होना जोड़ा देना, बाबू की इज्जत बनानी गांव में, गांव राम का नाम ऊंचा करना। देखियो जमी कांकड़ा बन रही है जगह का, इलेक्शन तो आ रहे कोई या आर्मी करके जी, वही तो हमारा जोर 4 साल खातर लगेगा, वही हमारा लगेगा पूरी उम्र खातर। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध हर शहर में देखने को मिल रहा है, कई शहरों में तो हिंसक घटनाओं तक की खबरें मिली हैं। मगर इसी बीच कैथल में भी इस योजना के विरोध में युवाओं ने छोटू राम चौक को जाम कर दिया। गनीमत रही कि कैथल में ये विरोध प्रदर्शन कुछ जिम्मेदार लोगों की निगरानी में चला। युवा अपने आक्रोश को देखते हुए कैथल के बस स्टैंड की तरफ रवाना हुए और बसों को भी रोका, मगर कुछ जिम्मेदार लोगों ने बीच बचाव करके युवाओं के प्रदर्शन को हिंसक होने से और सरकारी संपत्ति का नुकसान होने से बचा लिया। युवाओं का कहना है कि वो काफ़ी लंबे समय से आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, पहले तो सरकार ने भर्ती नहीं निकाली, लेकिन अब अग्निपथ योजना उनके स्थायी रोजगार के अवसर के खिलाफ है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। अरे क्यों चलो यार, वोट खड़ी रहो, क्यों आंदोलन खराब करो, गलती होगी तो यू भाई अभी अभी इन युवाओं को बस स्टैंड से वापस लेकर आ गया है। बस स्टैंड पर गए थे, लेकिन कुछ गणमान्य लोग और जिम्मेदार लोग इनके साथ मौजूद हैं आंदोलन में, और जिनकी समझ बूझ से वह युवाओं को वापस ले आ गया है करनाल चौक की ओर, ताकि किसी तरह की कोई संपत्ति की या सरकारी संपत्ति के नुकसान ना हो। 3 साल तक तैयारी कर रहे हो? 3 साल से। 3 साल से आर्मी की स्पेशल? हाँ जी। कोई नहीं अभी तक, तो पुलिस में सिलेक्शन हो जाता फिर कर ही नहीं, जाना तो आर्मी में जाना। मोदी ने कर दिया नाश, 4 साल में हमारा कौन हमारा दिल मानता, भारत माँ की सेवा करनी तो मरते दम तक करनी, और सीधा होगा ना बस। या मेरे आर्मी ही क्यों ऑप्शन देख रहे, कोई और जॉब का विकल्प भी देख लेते हैं आप? और जॉब तो हम कभी कर लेते, आर्मी का करना सीधा होना जोड़ा देना, बाबू की इज्जत बनानी गांव में, गांव राम का नाम ऊंचा करना, आर्मी में सेना कम होने लग रही तो माना भाई सपोर्ट पूरी करनी, आर्मी का ऊंचा नाम रखना माना। फिर अब दिक्कत सीधी बात है, दिक्कत आएगी 4 साल में घर बिठा देंगे, 4 साल में क्या कर लेंगे भाई, होना जोड़ा पूरी उम्र खातर, वही तो हमारा जोर 4 साल खातर लगेगा, वही हमारा लगेगा पूरी उम्र खातर ओडा बस। इस करके माना को नहीं पसंद भाई, 4 साल पूरी उम्र देश की सेवा करनी है। हाँ जी, आखिरी सांस तक देश की सेवा करनी है, सीधी बात है। भाई साहब मैं पिछले 8 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 12 साल का था जब तक बापू ने गया था आर्मी में लागना, वो मेरा सपना था खुद का, जो अब सरकार पूरा होने तय जमी 80% चांस कम हो गए जी उसके, जमी 200% चांस है जी उसके, तो जोड़सी पहला तो 3 साल से कोई भर्ती आई नहीं जी, लगभग जमी टूट लिया था गात जी, देखियो जमी कांकड़ा बन रही है का, इलेक्शन तो आ रहे जी कोई या आर्मी करके जी, और कुछ एनसीसी ले रखी थी 3 साल की, वह नहीं आ रही थी, 8 साल की तैयारी होगी थी मेहनत कुल, अरे कह जी 4 साल की अग्निपथ योजना चलाई है जोड़सी जी, या बिल्कुल जी कामयाब नहीं होनी चाहिए, मम इसके साफ विरोध हाँ जी, सरकार इस पर जी मुद्दा ठा रही है जी, जोन से बालक इसके विरोध नहीं है जी, जोन से रूल के विरोध है जी, उसको जबरदस्ती जी केस बनाया जा रहा है जी उस पर भी, वो आगे कोई बालक इसका विरोध नहीं कर सका जी उसका, इस कारण जी ये मास्क बांधने पड़ रहे हैं जी बिना बातें जी, नहीं मारा कोई खोट नहीं है जी, मम तैयारी करने बालक फिर भी जी। सरकार कह तो रही है भाई 4 साल के लिए रोजगार देगी, 25% फिर उनमें से आपको परमानेंट भी कर दिया जाएगा जो सक्षम होंगे, ऐसे कुछ नहीं है जी, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है जी, सरकार अपनी राजनीति खेल रही है जी सिर्फ, उससे ऊपर और कुछ नहीं है जी, जो थी पहला परमानेंट आर्मी नहीं थी जी, जो थी पैसे पहले निकलते थे जी, वैसे निकलनी चाहिए जी, अब 72 साल का बुढ़ा राज कराते हैं इसका रिटायर हो गया भाई। ओ जी एक और बात सुनो, वो हमको ये कह रहे हैं जी सरकार वाले, 24 साल की आर्मी है जी, मोदी एक बार बन गया, 2 बार बन गया, 3री बार इलेक्शन में खड़े होने की जरूरत थी जी, उन्होंने एक बार 5 साल की संतुष्टि होगी जी उन्होंने जी, जब 5 साल का बन गया था फिर मर पैदी पाबंदी क्यों लावा जी 4 साल की हो, ये सवाल उठ रहा जी। एक विरोध जो अभी है वो है अग्निवीर योजना को लेके, और छात्र पिछले 2 साल से जो सेना में भर्ती रुकी हुई है
उसको लेके ये विरोध है। और अग्निवीर योजना में जो 4 साल की भर्ती है, ये असल में सरकार ने सेना के अंदर पहली बार निजीकरण और ठेकाकरण बढ़ाने को योजना है। 4 साल से ज़्यादा हो गए, सुबह उठते हैं दोनों टाइम वर्क करा है और मेहनत करा, कोच के पास भी आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, स्टडी भी करते, पेपर के लिए तैयारी और भी वैसे काम छोड़कर घर का स्पेशल ग्राउंड को टाइम देते हैं। घर की स्थिति थोड़ी वाह डाउन है, गरीबी सी है, फिर भी और काम छोड़कर आर्मी की तैयारी करनी पड़ती है। फिर ये भर्ती का 4 साल का सिस्टम कर दिया, घर वालों के भी सपने टूट गए और हमारे भी। अब हम ये जो 4 साल वाला रूल ने ये तोड़ दे और जल्दी से भर्ती आ जाए। सरकार कह तो रही है भाई 4 साल, 1 साल में 46,000 भर्तियाँ करेगी। फिर ये अग्निपथ टीओडी का रूल तोड़ना पड़ेगा सरकार को। अब 4 साल में क्या कर लेगा, दो ट्रेनिंग की यार छुट्टी लाएगा, 2 साल तो नुए बिग्गी, 2 साल की वाह होगी ड्यूटी, बस 2 साल में क्या होगा वो या जो अनपढ़ भी कमाला 20-25 तो वैसे ऐसे लरामा या खेत में हरी बीस की 20,000 में क्या बनता है, कुछ भी नहीं होता, घर का हवा भी नहीं चलता, इतना खर्चा जाता है आर्मी पर।